बीच में एक दो पिच छूटा हुआ है ना, तो उसको बाद में देखेंगे। शीतकालीन ओली याद रहेगा, ओली ठीक है। उसके बाद रेसलिंग देखते हैं, ठीक है। रेसलिंग में तीन चीज आएगा, एक 23वां विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, फिर आएगा क्या एशियाई U20 U20 कुश्ती चैंपियनशिप और U20 विश्व कुश्ती। पहला वाला कुश्ती क्या है, एशिया वाला, उसके बाद वाला विश्व वाला, ठीक है। और ये भी क्या है, 23वां U23, आ रहा है समझ में, ये U23 विश्व कुश्ती, वो दोनों U20 U20 याद रहेगा, समझ गए। U23 विश्व वाला और ये U20 एशिया वाला और U20 विश्व वाला, ठीक है। इसमें कहाँ गए रे, ठीक है। अब कुश्ती, कुश्ती मतलब लड़ाई बड़ाई हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर हो रहा है मैडम, नहीं लिखी है, ठीक है मैं बता देता हूँ। तो ये जो हो रहा है ना U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ है, तो ये स्पेन में हुआ है, ठीक है, ये स्पेन में हुआ है, याद रहेगा कहाँ पर हुआ, स्पेन। अब कुश्ती उश्ती लड़ते हैं तो पेन होता है ना, तो स्पेन। अब पेन होता है तो अपन उसको थोड़ा सहलाते हैं, है ना, सहलाते हैं, तो क्या है अगन सहरावत, याद रहेगा। कुश्ती कर रहे हैं तो पेन तो होगा ना, और पेन होगा तो फिर उस जगह को सहलाएंगे, तो अगन सहरावत याद रहेगा, समझ गए। उसके बाद पेन हो रहा है, सहला रहे हैं, ठीक है, फिर भी पेन गया नहीं, और क्या हो गया अपन बहरे, तो बहरीन, तो U20 वाला बहरीन में, याद रहेगा, जिसमें भारत ने 22 पदक जीता है, 4 गोल्ड है, याद रहेगा। उसके बाद 45वां नंबर का, अब ये विश्व कुश्ती वाला, ठीक है, बहरे हो गए, बहरे हो गए तो क्या बोलेंगे, कोई लड़ते लड़ते बहरा हो गया तो उसको बोलेंगे भाई थोड़ा सेफली लड़ा कर, है ना, तो क्या सोफिया, ठीक है, तो क्या बोले अपन, थोड़ा सेफली लड़ा कर, है ना, तो सेफली से सोफिया, तो जिसको सेफली लड़ाकर बोल रहे हैं ना, तो वो क्या बोली, ये मेरा अंतिम पंगा है, ठीक है, तो अंतिम पंगाल, आ रहा है समझ में, याद रहेगा। तो पहला क्या बोला कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो आप उसको सहलाओगे, फिर भी पेन नहीं गया, क्या हो गए आप, बहरे हो गए, ठीक है, बहरीन हो गए, तो उसको क्या बोले भाई थोड़ा सेफली लड़ाकर, तो वो क्या बोला, ये मेरा अंतिम पंगा है, तो अंतिम पंगाल, ठीक है, सबसे उम्र बहुत इसका कम है और इसने गोल्ड मेडल जीता है, याद रहेगा। तो नाम याद हुए, जगह का नाम बता दिया मैं एक साथ, स्पेन सहरावत, उसके बाद बहरीन, फिर उसके बाद सोफिया, सोफिया में कौन, अंतिम पंगाल, ठीक है। देख लेते अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें इसमें भारत ने कितना पदक जीता, 6 पदक जीता है, ठीक है, पहले वाले में 6 पदक, दूसरे वाले में 22 पदक, दूसरे वाले में 22 पदक याद रहेगा, और तीसरे वाले में 16 पदक, ठीक है, 6 22 16 याद रखना, क्लियर है। और जो ये विश्व कुश्ती है उसमें नाम किसका याद रखोगे आप, हाँ, हरियाणा की 17 वर्ष महिला कुश्तीबाज अंतिम पंगाल ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और ये जीतने वाली प्रथम महिला है, विश्व कुश्ती चैंपियन में बनने वाली या प्रथम महिला है, याद रखोगे कौन, अंतिम पंगाल, याद हो गया। अपन तीन जगह का नाम याद किए और दो इंसान का नाम याद किए, पहले वाले में अगन सहरावत और लास्ट वाले में अंतिम पंगाल, जो पहली महिला है जो गोल्ड जीती है U20 में,
पहली महिला है जिसने गोल्ड जीता है, ये अपने एक नाम याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन कौन करवाता है? BWF, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, BWF पैरा, पैरा मतलब वो दिव्यांग वाला, तो उसको बोलते थे पैरा। ठीक है, ये भी पूरा नहीं लिखा है क्या? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? देखो, एक पैरा वाला हुआ, एक नॉर्मल वाला। पैरा मतलब जिसमें दिव्यांग लोग रहते हैं, और एक नॉर्मल वाला। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों कहाँ पर हुआ है? टोक्यो जापान में। ये वाला भी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लिख लेना, ये वाला भी टोक्यो जापान में और पैरा वाला भी टोक्यो जापान में। ठीक है, याद रहेगा टोक्यो जापान। ठीक है, उसके बाद ये पैरा वाले में दो लोगों को अवार्ड मिला है। ठीक है, कितने लोगों को मिला? पैरा वाले में दो लोगों को अवार्ड मिला है। एक का नाम है भगत करके कुछ है क्या? प्रमोद भगत, और एक का नाम है मोर मनीषा। ठीक है, याद रहेगा प्रमोद भगत और मनीषा। तो बैडमिंटन, बैडमिंटन में बैड आ रहा है, बैड। ठीक है, बैड में पैरा बिछा दिए और तकिया लगा के सूत गए। तो टोक्यो, तो बैडमिंटन, पैरा, टोक्यो। तो नॉर्मल वाले में भी टोक्यो, पैरा वाले में भी टोक्यो। तो बैडमिंटन मतलब बैड, बैड में क्या बिछा है? पैरा, और तकिया लगाए सूत गए। ठीक है, जैसे ही आप सूते तो आपका मनी लेके कोई भाग गया, तो मनी और भगत आ रहा है समझ में? आप बेड में सूते हो, क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका पैसा लेके कोई भाग गया है ना? तो मनीष, मनीषा और प्रमोद भगत, ये दोनों का नाम याद रखना, आगे और आएगा। मनीषा और भगत, ठीक है मैडम, याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अब ये नॉर्मल वाले में कहाँ से पदक जीता है? वो दोनों जो मनीषा और भगत ना, गोल्ड स्वर्ण पदक जीते हैं। अब जो नॉर्मल वाला था, बैडमिंटन वाला जो टोक्यो हुआ है, उसमें कौन जीता? उसमें कहाँ से पदक मिला है दो लोगों को मेंस डबल में? तो उसका नाम है सात्विक साईराज और चिराग। अब मैं क्या बोला था? बैड है, बेड में पैरा बिछा दिए, तकिया लगा दिए, तो वो एक जन पैसा लेके भाग गया, मनी लेके भाग गया। ठीक है, अब पैरा नहीं है, फिर भी सोए तो है बेड में, बेड है तो। ठीक है, तकिया लगा सोए बेड में, अब सोए हैं तो वो सोते सोते भगवान से दुआ मांगते, साईं भगवान से, कि भैया घर में कोई चिराग आ जाए। तो साईं और चिराग, याद रहेगा, साईं राज और चिराग है ना? बैठे बैठे नहीं है, सोए हैं, तो साईराज और चिराग, याद रहेगा, सबको याद हो रहा है। आगे चले। ठीक है, अब ये थाईलैंड में भी पैरा बैडमिंटन हो रहा है, थाईलैंड में भी। ठीक है, पैरा हो रहा है, पैरा वाला ऊपर पढ़े थे, दो लोगों का नाम आया था, भगत और मनीषा। ठीक है, उन दोनों को क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। तो थाईलैंड में भी पैरा हो रहा है, उसमें भी वो दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा। टोटल चार लोगों को मिला है, उसमें दो कौन है? मनीषा हो गया, प्रमोद भगत। ठीक है, तो मनी लेके भाग गया, ऐसा करके याद कराया था, मनी लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि उसका नियत खराब था, या फिर उसका मन हुआ होगा भाग जाऊं। तो नित्याश्री और मनदीप, तो ये चार नाम याद हो जाएगा, नित्याश्री और मनदीप। ठीक है, भगत और मनीषा तो पहले से आ गए, तो मनी लेके भाग गया। क्यों भागा होगा? उसका नियत खराब होगा या उसका मन हुआ होगा? तो नित्याश्री और मनदीप, थाईलैंड में चार नाम आ जाएगा, और बैडमिंटन के पैरा वाले में दो नाम, मनीषा और भगत। नॉर्मल वाले में दो, क्या? साई और चिराग। साई भगवान से दुआ मांगे कि भाई कोई घर में चिराग आए। ठीक है, तो दुआ मांगोगे तो जरूर पूरा होगा भाई। तो थॉमस कप में कौन जीता ये याद रखना, इंडिया जीता, और नेतृत्व कौन किया? किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, श्रीकांत को तो जानते होगे, बैडमिंटन खेलता है, किदाम्बी श्रीकांत। तो थॉमस कप हुआ जिसमें भारत जीता, उसमें नेतृत्व कौन किया? किदाम्बी श्रीकांत। भारत ने इंडोनेशिया को हराया। तो बैडमिंटन वाला याद रहेगा, इतना ही है बैडमिंटन। तो
तो पहला बैडमिंटन का बताया था, BWF करवाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये करवाता है। तो एक पैरा वाला करा है, एक नॉर्मल करा है। पैरा वाला जिसमें हैंडीकैप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और एक नॉर्मल वाला, ठीक है। कहाँ करा है? टोक्यो में करा है। ये दोनों टोक्यो में हुआ। तो जो पैरा वाला था उसमें मनी लेके भाग गया, तो मनीषा और प्रमोद भगत। नॉर्मल वाले में साईराज और चिराग, क्लियर है। फिर उसके बाद थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड में चार नाम आएगा, मनीषा, भगत, नित्या और मनदीप, मनदीप कौर, ठीक है। घर जाके एक बार रीड करोगे, दो बार पढ़ने को पढ़ोगे तो याद आएगा, ठीक है। थाईलैंड वाला हो गया। थॉमस वाले में भारत जीता, केदम्बी श्रीकांत नेतृत्व किया, इंडोनेशिया हारा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद टेनिस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, इतना वो दिख रहा है, खतरा दिख रहा है लेकिन खतरा नहीं है। तो फूफा करके बोलते हैं ना अपन, फूफा, तो उसको समझना फूआ, ठीक है। FUV है, फूआ। फूफा बोलते हैं ना, फूफा मत बोलना, फूआ बोलना, या तो बुआ बोलते हो ना तो बुआ मत बोलना, फूआ बोलना। बिहारी में फूआ बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करिएगा, जब फूआ फूफी बनोगे तब बनोगे कभी ना कभी। एफ से फ्रेंच ओपन, यू से यूएस ओपन, वी से विम्बल्डन, विम्बल्डन ओपन, और ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रहेगा, फूआ मेल को भी मिला है, फीमेल को भी मिला है, क्या याद रखोगे? फूआ। एफ से फ्रेंच ओपन, यू से यूएस ओपन, वी से विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद हो गया ओपन ओपन? ठीक है। अब ये मेल में भी याद रखना है, फीमेल में भी याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अरे यार कहाँ घूम गया, गायब हो गया क्या फूआ? ठीक है, याद रहेगा, तो जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। राफेल नडाल, तो इसमें डाल याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। कार, ठीक है, याद रहेगा। विच मतलब ये रहता है कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, विच विच ऐसा करके यूज होता है ना, मतलब अंदर अंदर होता है, पंजाबी में विच का मतलब अंदर होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये समझना क्या बोल रहा है, डाल कार विच डाल, ठीक है, डाल कार के अंदर डाल, आ रहा है समझ में, जैसे किडनैप करने गए हैं, डाल रहे इसको कार के अंदर डाल, इसको ऐसा बोलते रहते हैं कि नहीं, डाल कार के अंदर डाल, विच मतलब अंदर, ठीक है, पंजाबी बोलते हैं ऐसा, तो डाल कार के अंदर डाल, ठीक है, समझ गए। तो ये राफेल नडाल है। अब देखना नाम बताते हैं हम आपको, निपोरा, ठीक है। तो अपन क्या पढ़े थे, फुआ, तो फ्रेंच ओपन में डाल, राफेल नडाल, फिर फुआ के बाद यूएस ओपन, कार विच डाल तो कार्लोस, ठीक है, वी का विंबलडन, हाँ जोकोविच, विच था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर राफेल नडाल, तो डाल कार विच डाल, ठीक है, याद रहेगा, सरल है कि नहीं, डाल रहे इसको डाल कार विच डाल, पंजाबी आदमी ऐसे बोलेगा, ठीक है। क्या क्या हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो गया।
ठीक है, अब देखना, अब फीमेल वाला भी याद करते हैं तो पूछ ही लेते हैं ना, और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद याद रखना, स्वीट स्वीट, ठीक है, स्वीट स्वीट, ठीक है, स्वीट मतलब मीठा मीठा। उसके बाद ये बकना, ठीक है, तो जो स्वीट स्वीट लोग रहते हैं ना वो बकते नहीं है, कुछ भी दिमाग खराब होता है ना तो जो अच्छे स्वीट आदमी रहते हैं मेरे टाइप, वो बकते नहीं है, वो बात करके मामला सुलझा लेते हैं, ठीक है, बातें, ठीक है, तो जो स्वीट लोग रहते हैं वो बकते नहीं है, वो बात करके मामला सुलझा लेते हैं, ऐसा समझना, लड़कियां स्वीट होती हैं तो बकना बकती बकती नहीं है, बातचीत से सुलझा लेती है, कोई और लड़कियां होंगी ऐसा है ना। तो स्वीट से ये देखो, स्वीट, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन में भी स्वीट, स्वियाटेक है, तो स्वीट स्वीट याद रखना, क्या नहीं करते, बकते नहीं है, विंबलडन में बकीना, और इधर बाटी बातें, याद रहेगा। तो जो स्वीट लोग होते हैं वो बकते नहीं है, बातचीत से मामला सुलझा लेते हैं, लड़कियां ऐसी करती हैं, और लड़के क्या था, डाल कार बिच डाल, ठीक है, अब किसी लड़की कैसे पूरे डाल कार बिच डाल, तो लड़की इस दम स्वीट स्वीट बकना चालू, बकना चल याद रहेगा, तो लड़की क्या बोलेगी, बकना चालू कर देगी या बातें करना चालू कर देगी, नहीं पता क्या करेगी। याद हुआ टेनिस वाला, देखोगे नाम एक बार, देखो नाम, देखो भाई, पानी देना मैडम, स्वीट स्वीट बको, हाँ? सर्त दिया हुआ फेस बहुत समृद्ध है, ठीक है, याद हो रहा है, टेनिस का याद हुआ, याद हो रहा है सर आपको, ठीक है, तो डाल डाल से राफेल नडाल है, स्पेन का खिलाड़ी है, और ये कार्लोस, कार मतलब कार्लोस, और ये नोवाक जोकोविच, ठीक है, और इसमें लड़कियों के नाम है ईगा स्वियाटेक, और उधर राय बकीना और एसएल बाटी, ठीक है, तो जो मैं बताया वो नाम ज्यादा सुटेबल है, ये बाटी उटी से अच्छा है, स्वीट बकीना बीच फीच, हुआ हुआ फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, यही ओपन है, और कुछ ओपन में मत टिक मार देना, नहीं तो आपका नंबर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ में करते हैं, तो जितना बताया याद है, हॉकी का, टेनिस का, टेनिस का नहीं भूलोगे, हॉकी का, हॉकी का बताया था, मोटी मन हुआ, जोश आया पढ़ने का, रीड करने का, और इधर वाले में क्या था, नहीं, अवार्ड वाले में क्या था, मुम फेल हुई तो मुमताज शॉप में बैठा थे, याद रहेगा, बैडमिंटन वाला भी याद रहेगा, भगत और मनीषा, ठीक है, और उसमें नॉर्मल वाले में साई और चिराग, और तो थाईलैंड वाले में चार लोग थे, भगत और मनीषा तो थे ही, नितिया और मनजीत, याद रहेगा, ठीक है, आगे पढ़े, तो बर्मिंगम 2022, बर्मिंगम कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ठीक है,
तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? बर्मिंगम में, ठीक है, जिसमें मस्केट का नाम क्या है भाई? शुभंकर का नाम पैरी द बुल। ये देखो कहीं से भी दिख रहा है बुल, बेला दिख रहा है, तो पैरी द बुल, ठीक है। अब ये 2022 में हुआ था क्या कॉमनवेल्थ गेम? कब हुआ था? 2022 में। कहाँ पर? बर्मिंगम में। बर्मिंगम कहाँ है? इंग्लैंड में। अब 2026 में होगा कहाँ पर? विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रहेगा? तो अभी वाला इंग्लैंड, नेक्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया, अभी वाला इंग्लैंड, नेक्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया, अभी वाला बर्मिंगम, नेक्स्ट वाला विक्टोरिया, नेक्स्ट वाला विक्टोरिया, अभी वाला बर्मिंगम। याद रहेगा? अभी वाला बर्मिंगम, अगले वाला विक्टोरिया, ठीक है। जो मस्केट का नाम क्या है? पैरी द बुल। एक और मस्केट पड़े हैं, वो कौन से गेम का है? चावा। 36वां नेशनल गेम है, कहाँ पर हो रहा है वो? गुजरात। ये कहाँ पर हो रहा है? अगला वाला कहाँ होगा? विक्टोरिया, ठीक है। ये कौन से देश का झंडा है? भारत देश का है, तो भारत को चौथा रैंक मिला है, ठीक है, समझ आया। भारत को गोल्ड कितना मिला है? 22 गोल्ड मिला है। टोटल 61 पदक है जिसमें 22 गोल्ड है, ठीक है। तो इसका गोल्ड वोल्ड याद रखना भाई, 22 गोल्ड है, टोटल 61 है, टोटल 61, 22 गोल्ड, कौन सा रैंक? टोटल टोटल 61, कितना गोल्ड इंडिया का रैंक? कौन से गेम में? कहाँ हो रहा है? कहाँ है बर्मिंगम? नेक्स्ट वाला कहाँ होगा? कहाँ है विक्टोरिया? मस्केट क्या है? पैरी द बुल। तो सहवाग कौन से गेम का था? छत्तीसगढ़ का था, नेशनल गेम्स का था, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कितना था? याद रहेगा? पहले रैंक में कौन था? ठीक है, इसमें पहला रैंक किसका है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें पहला रैंक है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। उसके बाद सेकंड कौन है? इंग्लैंड। याद रहेगा? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड याद रखना, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड, और इंडिया फोर्थ, इंडिया फोर्थ, ठीक है। कौन है ये महिला? मीराबाई चानू, समझे? तो गोल्ड मेडल इनको क्या मिला है? तो बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंगम वाला, तो पहले गोल्ड मेडल कौन जीता? मीराबाई चानू। याद रहेगा? अच्छा, ये रिंग टोन है, ठीक है। उसके बाद ये कौन है? मनप्रीत सिंह, और ये है पीवी सिंधु। तो बर्मिंगम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी होता है, क्लोजिंग सेरेमनी होता है। ओपनिंग सेरेमनी में भी झंडा पकड़ना पड़ता है एक लड़का एक लड़की को, और क्लोजिंग सेरेमनी में भी झंडा पकड़ना रहता है एक लड़का एक लड़की को। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन पकड़ा? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, ठीक है, मनप्रीत और सिंधु, याद रहेगा? ठीक है। और जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ तब निखत और शरत, शरत शरत जिसका नाम कहाँ आया था? ध्यानचंद वाले में आया था ना, उस क्या मिला था उसको? 25 लाख रुपए मिला था, टेबल टेनिस खेलता है, ठीक है। तो शरत निखर, शरत निखर, उसमें मनप्रीत, ठीक है, मन से हिंदू, कौन? शरत निखर, ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। इसमें भी देखो वही लिखा है, सबसे पहले गोल्ड कौन लाया बर्मिंगम में? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग करती है मीराबाई चानू, ठीक है, समझ आ रहा है? फूफा समझ आया? फूफा वाला हुआ। उसके बाद भारत की लॉन बॉल्स महिला टीम ने, ठीक है, ये महिला टीम है, लॉन बॉल्स एक गेम होता है, एक ऐसा ऐसा बॉल पकड़ते हैं, देखो ऐसा फेंकते हैं, ऐसा टाइप का गेम होता है। हाँ, वो नहीं, वो तो दूसरा है, उसको क्या बोलते हैं? बोलिंग बोलते हैं उसको,
ये दूसरा है लॉन बॉल, ऐसा करके कुछ बॉल को ऐसा फेंकते हैं। तो उसमें भारत की महिला टीम ने पहली बार गोल्ड जीता, ठीक है? तो लॉन बॉल्स टीम में भारत की महिला टीम ने पहली बार क्या जीता? गोल्ड जीता, याद रहेगा। और भारत के लिए कॉमनवेल्थ में बर्मिंगम वाले में पहली बार गोल्ड कौन लाया? मीराबाई चानू, ये बर्मिंगम वाले में। लेकिन जब ये गेम चालू हुआ था जब भी, तब भारत की तरफ से गोल्ड कौन लाया? तो मिल्खा सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहली बार गोल्ड कौन लाया? तो मिल्खा सिंह। लेकिन अभी वाले में कौन लाया पहली बार? मीराबाई चानू, याद रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार गोल्ड कौन लाया? मिल्खा सिंह। लेकिन बर्मिंगम वाले में पहली बार? मीराबाई चानू। अब ये लॉन बॉल गेम हुआ था, इसमें पहली बार इंडिया ने गोल्ड जीता है, इतना याद रहेगा, ठीक है? अभी शरद का नाम बार बार आ रहा है, शरद क्या किया? टेबल टेनिस वाला है, इसको ध्यानचंद अवार्ड मिला है 25 लाख रुपए, ठीक है? फिर शरद कमल, क्लोजिंग सेरेमनी हुआ कॉमनवेल्थ का, तो झंडा पकड़ा था निखत के साथ। उसके बाद शरद कमल का कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन था, इसको 3 गोल्ड मेडल मिला है, 3 गोल्ड और एक रजत, ठीक है? 3 गोल्ड और एक रजत, याद रहेगा मैडम, ठीक है? उसके बाद इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखना। पहलवान राशिद अनवर, ठीक है? राशिद अनवर, ये राशिद अनवर जो है पदक जीता था, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक। देखो तो भाई उसमें क्या लिखा है। तो मिल्खा सिंह पहले एथलीट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है? और पहलवान में कौन जीता था? राशिद अनवर, जिसने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे ये भी, ठीक है? स्वर्ण नहीं लिखा है ना, ठीक है, तो इसको हटा देना, ठीक है? तो याद रखना, पहली बार पदक कौन जीता? राशिद। सोने का पदक कौन जीता? मिल्खा सिंह, ठीक है? पहली बार पदक जीते राशिद ने, जो कि पहलवान था, और पहली बार सोने का पदक कौन जीता? मिल्खा सिंह, याद रहेगा, ठीक है? उसके बाद जब 2022 में जब ये गेम हो रहा था, तो जो शूटिंग वाला कंपटीशन होता है ना, ऐसा तीर से ऐसा मारते हैं, उस गेम को हटा दिया गया था 2022 में, शूटिंग के गेम को हटा दिया गया, लेकिन 2026 वाले में रखा गया है। और 2026 में शूटिंग को रखा गया, तो रेसलिंग को हटा दिया गया है, आ रहे समझ में? 2022 में बर्मिंगम में शूटिंग को हटा दिया गया, लेकिन उसको 26 में रखा है। अभी रेसलिंग था, लेकिन 26 वाले में हटा दिया गया, ठीक है? याद रहेगा। तो वही सब कुछ कुछ लिखा है भाई, देख लेना, ठीक है? आगे बढ़े। अब रेसलिंग को हटा दिया, तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत रेसलिंग में ही ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है। अभी भी 12 मेडल लेके आया है, जिसमें से 6 गोल्ड है, ठीक है? शूटिंग हटा दी है। अब T20 क्रिकेट को भी इसमें रखा जाएगा, बर्मिंगम वाले में, ठीक है? अभी रखा गया ऐसा लिखा है, लेकिन रखा था कि नहीं, 2026 में भी बरकरार रहेगा। ये एमसी मैरी कॉम वाले को छोड़ देना, दिलीप तिर्की को याद रखना। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बना है, ठीक है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? दिलीप तिर्की। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। तो ये आपके दिल में रहना चाहिए ना, तो दिलीप, तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष में दिलीप नहीं है ना, तो नेशनल गेम नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो नेशनल गेम हॉकी ऐसा समझते हो ना, तो ये समझना कि हॉकी फिर आपके दिल में होना चाहिए। तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप। लेकिन जब दिल खोल के देखे, तो दिल में राम निकला, ठीक है? तो इंटरनेशनल वाले का अध्यक्ष कौन है? इकराम। इंटरनेशनल फुटबॉल हॉकी फेडरेशन है, उसका अध्यक्ष कौन है? इकराम। समझ आया जो बताया मैं? हॉकी नेशनल गेम है, तो आपके दिल में होना चाहिए। तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप। दिल खोल के देखे, तो उसमें राम निकला,
तो इंटरनेशनल जो हॉकी वाले का अध्यक्ष है वो कौन है? इकरा, समझ गए। उसके बाद रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी में रोज आ रहा है तो रोज क्या मत करे करो आप। बीसीसीआई का कौन है? रोजर, याद हो जाएगा, रोज बीसीसीआई मत किया करो। सौरभ गांगुली हट गए। उसके बाद पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ठीक है, पीट पीट के अध्यक्ष बन गई, ऐसा समझना ओलंपिक की, याद रहेगा। पीटी उषा को क्या बोलते हैं? पायोली एक्सप्रेस व उड़न परी, इस नाम से जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस व उड़न परी, ठीक है। हाँ, राज्यसभा में भी मनोनीत हुए, पायोली एक्सप्रेस और उड़न परी, ठीक है, याद रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पीट पीट के अध्यक्ष बन गई। उसके बाद फिर आ गया आपका सबका फेवरेट शरद, ठीक है, क्या खेलता है ये? टेबल टेनिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन उसका सदस्य बनाया गया है, किसको? शरद कमल को, ठीक है। शरद कमल से क्या क्या आ गया आप बताओ मेरे को। हाँ क्लोजिंग सेरेमनी, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड 1 रजत, ठीक है, याद रहेगा। तो यह पहला भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में यह अवसर प्राप्त हुआ है, क्या अवसर? सदस्य बनने का, ठीक है। उसके बाद है नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड जीता था ना, तो गोल्ड के आगे डायमंड, तो अभी इनको डायमंड भी मिला है, ठीक है। लेकिन ओलंपिक में नहीं मिला है, स्विट्जरलैंड में हो रहा था, स्विट्जरलैंड में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा था, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, ठीक है, तो इनको डायमंड मिला है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद डी मुकेश, मुकेश कौन है भाई बताओ? गुटखा खाता था वो जो पिक्चर, हाँ मुकेश को कैंसर हो गया था, फिर कैंसर को हरा देता मुकेश, तो यहां पर भी हरा देता है, तो मुकेश यहाँ भी हराया है किसको? अब ये जो मुकेश है ना वो 16 साल का है, ठीक है, 16 साल का एक बालक है जो जो चेस के नंबर वन खिलाड़ी, चेस के नंबर वन खिलाड़ी को हरा दिया, ठीक है, चेस के नंबर वन खिलाड़ी नोवे को हरा दिया। हाँ नॉर्वे लिखा नहीं है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, याद रहेगा। तो डी मुकेश 16 साल का उम्र है इसका, और चेस के नंबर वन खिलाड़ी को हरा दिया ये, याद रहेगा। और ये सबसे कम उम्र का है जो नंबर वन खिलाड़ी को हरा दिया, ठीक है मैडम, मानना पड़ेगा कि नहीं। उसके बाद है पाखी भट्ट, पाखी भट्ट छत्तीसगढ़ की है, हाँ, तो पाखी समझ लेना पटना, तो पाखी पा से पाखी और इटा से टेनिस, ठीक है, पटना, तो पाखी क्या खेलती है? टेनिस, ठीक है। और ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की अनाम्या दुबे को हरा देती है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। पाखी पटना, पटना मतलब पाखी टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साजन, साजन भानवाल, साजन याद रहेगा, साजन किसको बोलते हैं, ठीक है। साजन लड़कियां अपने जो भी है पति या प्रेमी को बोलती है ना साजन करके, मेरे साजन, लड़की लड़के सजनी, तो साजन बहुत रोमांटिक है, तो रोमन याद रहेगा, ग्रीक रोमन, साजन बहुत रोमांटिक है, इतना रोमांटिक है तो कुश्ती करने लग गए, ठीक है, याद रहेगा, साजन रोमांटिक है, कुश्ती कर रहे हैं। तो क्या लिखा है?
अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, याद रहेगा तो साजन साहब को याद आ जाएगा ना, रोमन याद आ जाएगा और कुश्ती याद आ जाएगा, तो कौन सा अवार्ड मिला है वो भी पता है, क्या करते हैं वो भी पता है। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ गए साजन। ग्रीक, ग्रीक मतलब पता है, ग्रीक भाषा होता है ग्रीस देश का। उसके बाद मोहम्मद तैयार इकराम, ये इकराम का बताया था ना मैं पहले, क्या आया था इंटरनेशनल, हाँ महासंघ के नए अध्यक्ष, FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, तो इंटरनेशनल हॉकी वाले में इकराम, इंडिया वाले में दिलीप। ठीक है, उसके बाद मनिका बन्ना, मनिका तो इसमें भी मनी करके आ रहा है, मनीषा नहीं है लेकिन, ठीक है अब आपको ऑप्शन में मनिका और मनीषा एक साथ नहीं देगा ना, या तो मनी देगा या तो मनीषा देगा, तो ये मनीषा बत्रा है। ठीक है, ये क्या है, भारत की पहली जो क्या की है, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो एशियन कप में पदक हासिल की है, तो ऐसी महिला खिलाड़ी है जो एशियन एशियन कप में पदक हासिल की है, याद रहेगा। तो क्या है, टेबल टेनिस, मनी, ऐसा सब ना, मनी था पैसा था उसको टेबल में रख दिया ये ले और बोला चलो ऐश करो, तो एशियन समझ जाओगे ना, पिक्चर विक्चर में देखे हो ना, ऐसा पैसा निकालता है टेबल में रखता है, जिसको जिसको ऐश करना करो रे, तो मनी, टेबल टेनिस और एशियन, याद रहेगा। उसके बाद हरमिन हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेलती है ना, ठीक है तो हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ निकालते हैं, तो हरमनप्रीत कौर को ये इंडिया से किसी भी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं मिला था महिला वाले में, लेकिन हरमनप्रीत कौर को मिला है, ठीक है याद रहेगा। हाँ वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ तो हरमनप्रीत, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन, हरमनप्रीत, ठीक है। अब इंडिया की कोई वुमेन को ये अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन हरमनप्रीत कौर को पहली बार ये अवार्ड मिला, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, हरमनप्रीत कौर कैप्टन भी है, समझ आया कि नहीं आया, देख लो एक बार बता दूं मैं, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर को ICC द्वारा पहली महिला है, भारत की पहली महिला जिसको ICC का अवार्ड मिला है, ठीक है। मनिका बत्रा, मनिका मनी टेबल टेनिस और एशियन वाला है, और इकराम इंटरनेशनल हॉकी वाला, तो इंडिया के हॉकी वाला कौन, साजन, ग्रीको रोमन और कुश्ती, साजन कुश्ती करते हैं, पाखी भट्ट, पाखी क्या करती है, टेबल टेनिस, अपने राज्य वाले को हराई है, डी मुकेश, मुकेश ने हरा दिया किसको, चेस में हरा दिया नंबर वन प्लेयर को, 16 साल का मुकेश। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता था, अब डायमंड जीत गया, स्विट्जरलैंड में कंपटीशन हुआ था। उसके बाद शरद, ठीक है शरद के बारे में और क्या था बताओ भाई डिटेल, किसमें, टेबल टेनिस में, कौन से गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था, बर्मिंगम में, बर्मिंगम कौन से देश में, इंग्लैंड में, कौन से फिर नेक्स्ट वाला कहाँ होगा, विक्टोरिया कहाँ है, ठीक है और बताओ शरद के बारे में, ध्वजा लेके क्लोजिंग सेरेमनी में, तो इसके साथ और कौन था, निखत, ठीक है ध्यानचंद, ध्यानचंद ठीक है। द्रोणाचार्य में कितने कैटेगरी में अवार्ड मिलता है, दो लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम में कितने लोग को मिला, 10 लाख मिलता है, कितने लोगों को मिला अभी, तीन लोगों को, तीनों का नाम, हाँ विमल खाना दिन में,
तभी राज करोगे। राज नियमित वाले में चार नाम था, बहादुर नहीं था, सिद्धार्थ था, सी सिद्धार्थ, तेजा तेजा और कमर, ठीक है। तो बीसी वाला क्या था फिर? खेलो कूदो ध्यानचंद अवार्ड। हाँ तो बीसी बहादुर धर्मवीर, अश्विनी, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो बहुत सारा दिया है, बहुत सारा मत याद रखना। कबाड़ी वाला है, अब इसमें देखना, मैन और वुमेन, ठीक है। ये क्रिकेट वाला बात हो रहा है, मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट वाला कहाँ होगा? एक 50-50 वाला होता है, एक 20-20 वाला, है ना? एक 50-50 वाला और एक 20-20 वाला, ठीक है। आ रहा समझ में? तो मैन वाला अगला कहाँ होगा, वुमेन वाला अगला कहाँ होगा? 50-50 और 20-20 भी। अब 50-50 वाला नेक्स्ट वाला होगा इंडिया में, ठीक है, याद रखोगे? इंडिया, इंडिया में होगा, भारत में होगा, तो भारत अमीर बन जाएगा, तो अमेरिका, अमेरिका याद रहेगा, भारत अमीर बन गया, ऐसा याद रख लेना, कन्फ्यूजन होता है, तो भारत अमीर बन गया, तो भारत अमेरिका 50-50 बट 20-20, ठीक है। वुमेन वाला, भारत अमीर बन गया, लेकिन भारत में कौन सा जगह अमीर है? तो भारत का साउथ वाला, साउथ के लोग ज़्यादा अमीर रहते हैं ना, तो भारत और साउथ अफ्रीका याद रहेगा, भारत अमेरिका, भारत साउथ अफ्रीका, ठीक है। भारत में हुआ वर्ल्ड कप, तो भारत अमीर बन गया। अब भारत में अमीर लोग कहाँ रहते हैं? भारत में अमीर लोग भारत साउथ साउथ की तरफ रहते हैं ना ज़्यादातर, तो भारत साउथ अफ्रीका, समझ आया? ये नेक्स्ट कहाँ होने वाला है उसका लिस्ट है, ठीक है। तो देखना 2023 में कहाँ होने वाला है, भारत में, 50-50 वाला, ठीक है। और वुमेन वाला देखना, वुमेन वाला न्यूजीलैंड में तो हो चुका है, 25 में कहाँ होगा, भारत में, समझ आ रहा है? तो मैं नेक्स्ट वाला याद कराऊँ, दुनियादारी याद कराऊंगा, तो बीच में फिर समोसा खाओगे, ठीक है। अब उसके बाद T20 मेंस वाला ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, अभी जो नेक्स्ट होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है। उसके बाद T20, अब ये 2023 वाला, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, याद रहेगा, इतना कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। अब अंडर 19 मैन और अंडर 19 वुमेन, ठीक है, जिसमें इंडिया जीता था, तो वुमेन वाला वो तो साउथ अफ्रीका था, बताया था, पिछले वाले में भी साउथ अफ्रीका था, इसमें भी साउथ अफ्रीका है, लेकिन इंडिया वाला, इंडिया की जगह श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका और ये साउथ अफ्रीका, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ओलंपिक का ग्रीष्मकालीन समर वाला और शीतकालीन विंटर वाला, ठीक है, याद रहेगा। अब ओलंपिक में कोई अच्छा खेल दिखाता है तभी उसको मेडल मिलता है, ठीक है। तो आप समझना, ओलंपिक में ऐसा गेम मिला है आपको कि आपको अपने पैर से इडली खाना है, हाथ से खाते हो ना आप, खाते हो हाथ से, अब पैर से खाना। तो समर वाला होगा पेरिस में और ठंडी वाला होगा इटली में, ठीक है। अगर पैर से इडली खा लोगे तो आपको मिलेगा गोल्ड मेडल, ठीक है, तभी पैर फैला दे रहे हो क्या, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक एशियाई खेल है, 2026 में होगा, ना गोया, ठीक है, ना गोया, याद रहेगा, ग्रीष्म और शीत तो याद रहेगा,
इंडिया वाले का याद रहेगा, वर्ल्ड कप बताया 50-50 2020 पक्का याद होगा मैडम आपका, ठीक है बताओ। बताओ मैन वाला वुमेन वाला वर्ल्ड कप वाला कहाँ होने वाला है नेक्स्ट, ध्यान से आराम से। हाँ जल्दी ठीक है आप बताओ मैडम। ठीक है अंडर 19 वाला मैन वाला ठीक है, उसके बाद ओलंपिक वाला समर विंटर पेरिस इटली खाना है, ग्रीष्मकालीन पेरिस फिर इटली, पहले गर्मी आता है फिर ठंडी आता है ना, ठीक है ठंडा ठंडा इटली नहीं हाँ जैसा भी है, और गरम गरम पैर प्यार में लोग गरम ही रहते हैं सर, तो पेरिस। उसके बाद एशियाई खेल ठीक है, एशिया ना गोया ठीक है, ऐश करना है तो गोया जाओ, गोवा जाओ है कि नहीं, गए वो। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में याद रखना ठीक है। तो हो गया इतना, मन करता